इटली से तोहफा आया है, मस्त है। देखो अभी भी वक्त है, अपना फैसला बदल दो। खून खराबे से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आने वाली नस्लों को अपने बुनियादी अधिकारों के लिए आते जाते मस्जिद के आगे माथा टेकना पड़े। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो तुम क्या चाहते हो? ना मर्दों की तरह गुजरते रहे उनके टांगों से और अपने जख्म चाटते रहे। सभी कट्टरवादी अपने कर्मों को उचित सिद्ध करने के लिए धर्म की शरण लेते हैं, तुम ऐसे नहीं हो। अगर तुम्हें किसी इंसान की विचारधारा से नफरत है तो उसे नष्ट करने के लिए दूसरी विचारधारा का प्रयोग करो। उस इंसान को नष्ट करना गुनाह है, पाप है। ये पाप और पुण्य तो देखने वाले के नजरिए पे निर्भर होता है। भगवान राम ने भी तो रावण का वध किया था, और मैं किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो सहजता से अपने कर्तव्यों को और जिम्मेदारियों को त्याग देता है, और जिस सिस्टम को अपराध करने पर अफसोस भी नहीं होता। ऐसे सिस्टम के खिलाफ यलगार करना कोई गुनाह नहीं है। किनारे बैठ के डूबने वाले को तैरने की नसीहत देना बड़ा आसान काम होता है। बिल्कुल सही कहा। इस पर जो पीत रही है इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बड़े आए विचारधारा बदलने वाले। ये जो तुम करने जा रहे हो उससे हालात और भी बिगड़ जाएंगे। अभी अभी तो हुकूमत बदली है, धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। कुछ नहीं बदला। हुकूमत मुट्ठी भर अमीर और ताकतवर लोगों के हाथों में चली गई है। आम हिंदुस्तानियों के जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा। ये हमारे हक की लड़ाई है और मुझे मेरा हक चाहिए आज ताबड़तोब। देखो देखो, मैं मानता हूं कि विरोध जरूरी है, पर उसका भी एक तरीका होता है। तुम जो करने जा रहे हो उसका एक ही अंजाम है, फांसी। रोज रोज की घुटन से बेहतर है एक झटके में मर जाना। और मेरी एक पल की घुटन से हमारे भाई बहन नई सांस ले पाएंगे तो मुझे ऐसी हजारों मौतें मंजूर हैं। और वैसे भी अपने आप में घुटता रहता हूं। यह कोशिश तुम पहले भी कर चुके हो और नाकामयाब रहे हो। शायद भगवान को भी यही मंजूर है। यहां लोग ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जब भी लोग अपनी जान, इज्जत और हक के लिए लड़ते हैं तो उन्हें दबाया जाता है, कुचला जाता है। बस बस बहुत हो गया है। अब तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, चले जाओ ऐसे। तुम जो कह रहे हो, जो करने जा रहे हो, बिल्कुल सही है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हुआ कुछ नहीं,
अपने आप से कुछ सवाल कर रहा था। जवाब मिले? And there is darkness everywhere, and I do not quite know what to tell and how to say it. Our beloved leader, Bapu as we called him, the father of the nation, is no more. Perhaps I am wrong to say that. Nevertheless, we will not see him again as we have seen him for these many years. We will not run to him. Yeah.